सेना की ताजा कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सेना में सरगर्मियां तेज। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर चढ़े पाकिस्तान एयरफोर्स के विमान। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल सुहेल अमान ने खुद अभ्यास में लिया हिस्सा, सभी एयरफोर्स बेस को किया ऑपरेशनल। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट टू के वीडियो से बौखलाया पाकिस्तान, पाकिस्तानी सेना ने जारी किया फर्जी वीडियो। पाकिस्तानी सेना का झूठा दावा, 13 मई को रिहायशी इलाकों पर भारत की तरफ से हमला, जवाब में नौशेरा की भारतीय चौकियों को किया तबाह। ट्रंप सरकार से पाकिस्तान को बड़ा झटका, सैन्य सहायता में करीब 150 मिलियन की कटौती, मदद को कर्ज बदलने का भी विकल्प रखा। पाकिस्तान के खिलाफ सेना का सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट टू से खलबली, नौशेरा में पाकिस्तानी बंकरों को किया तबाह। सेना ने जारी किया 9 मई की कार्रवाई का वीडियो, 30 सेकंड में साजिश की पाकिस्तान के 10 अड्डे ने नाबूद। एलओसी पर जारी है पाकिस्तान को भारतीय फौज का जवाब, 20 और 21 मई को नौगाम में भी बरसे गोले और रॉकेट लॉन्चर। नौगाम में पाक फायरिंग में शहीद हुए थे सेना के 3 जवान, हिमाचल के सपाथू में 3 शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला विंग का प्रदर्शन, मेजर गोगोई के खिलाफ विरोध। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को पूर्व आईएसआई अधिकारी ने ही किया बेनकाब, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब ने जाधव को ईरान से पकड़ने का किया दावा। जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से पहली मात खाने के बाद पाकिस्तान नई वकीलों की टीम गठित की है, ये टीम 8 जून को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में देगी याचिका। 30 जून को पाकिस्तान संसदीय दल की बैठक में कुलभूषण जाधव मामले पर करेगा चर्चा। आज तक के ऑपरेशन हुरियत के बाद जांच जीटीएनआई, अगले हफ्ते हुरियत नेता सैयद अली शाह गिलानी कर सकती है पूछताछ। हुरियत नेता नईम खान एनआईए में श्रीनगर से फिर करेगी पूछताछ, आज तक स्टिंग में नईम ने पाकिस्तानी पैसे पर दहशत फैलाने का किया था कबूलनामा। कश्मीर में पाकिस्तानी पैसे पर हुरियत की नापाक साजिश के खुलासे के बाद एनआईए ने 13 आरोपियों पर कसा शिकंजा, आरोपियों पर पत्थरबाजी और स्कूलों में आगजनी का आरोप। एनआईए अलगाववादियों और हुरियत नेताओं की बेनामी संपत्ति की करेगी जांच, कई हुरियत नेताओं को भेजा गया समन। पाकिस्तान की लगातार उकसावे की हरकतों के बीच मोदी सरकार नई रणनीति पर कर रही विचार, गृहमंत्री के दीर्घकालिक रणनीति की ओर किया गया इशारा। एटीएस सूत्रों के मुताबिक साल 2005 में आतंकी संगठन से जुड़ने के लिए 25 लोगों ने छोड़ा था हिंदुस्तान, मुंबई का नबी शेख भी था शामिल। सूत्रों के मुताबिक लंबे अरसे से पाकिस्तान में रह रहा था नबी शेख, बांग्लादेश के रास्ते पहुंचा था पाकिस्तान, नबी शेख के कुछ धमाकों से जुड़े होने का अंदेशा। राजस्थान के भरतपुर में एक बार फिर आरक्षण की सुलगी आग, गुर्जर समाज ने सरकार को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष किरोड़ी सिंह बैंसला ने दी धमकी, जल्द फैसला नहीं होने पर फिर शुरू होगा आंदोलन। यूपी के सहारनपुर में ताजा हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन की धरपकड़, 24 लोग गिरफ्तार, 3 एफआईआर दर्ज। तनाव को देखते वाला अधिकारियों का दौरा, होम सेक्रेटरी पीडी मिश्रा, एडीजी कानून व्यवस्था आदित्य मिश्रा, आईजी एसटीएफ अमिताभ यश और डीआईजी विजय भूषण सहारनपुर पहुंचे। मेरठ जोन के एडीजी आनंद कुमार और एसएसपी मुजफ्फरनगर बबलू कुमार को भी सहारनपुर भेजा गया। पीएसी की 5 कंपनियां गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़ और आगरा से सहारनपुर पहुंची। सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में भड़की जातीय हिंसा में एक शख्स की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल, सहारनपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती। सहारनपुर हिंसा पर गृह मंत्रालय को पेश की गई रिपोर्ट, मायावती की रैली से लौट रहे दलितों पर हमले के बाद भड़की हिंसा। सहारनपुर को लेकर नया निर्देश जारी, हालात सामान्य होने तक नेताओं के आने पर पाबंदी। मुरादाबाद की कॉलोनी में मलिन बस्ती के नाम पर बोर्ड लगाने का विरोध, 21 मई को सीएम योगी करने वाले थे यहां का दौरा, इस मोहल्ले का दौरा किए बिना सीएम योगी के लौटने से लोगों में नाराजगी, बोर्ड पर लिखा जय भीम जय भारत। लखनऊ में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज। यूपी के कई शहरों में इनकम टैक्स की छापेमारी, कुल मिलाकर 15 वरिष्ठ अधिकारियों के घर छापा। गाजियाबाद के पूर्व डीएम विमल शर्मा के घर छापा, नोएडा अथॉरिटी के थे एडिशनल सीईओ। मेरठ की आरटीओ ममता शर्मा के घर भी छापा, बागपत के पूर्व डीएम हरिनाथ तिवारी के घर भी पहुंची टीम। रायपुर में छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और शराब व्यवसायी बलदेव सिंह भाटिया के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई, रायपुर और राजनांदगांव के घरों में छापा। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमार स्वामी के खिलाफ इनकम टैक्स ने दर्ज किया केस, हवाला के जरिए देश के बाहर पैसे के निवेश का आरोप। गायक अभिजीत के विवाद, ट्विटर पर बढ़ा विवाद, सोनू निगम ने समर्थन में किया ट्विटर को छोड़ने का फैसला। सोनू ने अकाउंट छोड़ने से पहले किए 24 ट्वीट्स, कहा अभिजीत के साथ हुआ गलत इसलिए छोड़ रहा हूं ट्विटर। सोनू निगम ने ट्वीट कर बताया उनके 70 लाख फॉलोअर्स मेरे ट्विटर छोड़ने से हैं उदास और हताश। जेएनयू छात्रा शैला राशिद ने ट्विटर पर अभद्र टिप्पणी को लेकर गायक अभिजीत भट्टाचार्य के खिलाफ हुई थी शिकायत, अभिजीत का ट्विटर अकाउंट किया गया था सस्पेंड। सोनू के ट्विटर छोड़ने पर बीजेपी नेता शायना एनसी का बयान, सोशल मीडिया और ट्विटर को नहीं लिया जा सकता गंभीरता से।
यूपी में मुन्ना भाई गैंग का सस्ता रेट, सिर्फ 200 रुपए में नकल की पूरी गारंटी। मेल टुडे ने किया मुन्ना भाई गैंग का खुलासा, सहजानंद पीजी कॉलेज में शूट किया ग्रेजुएशन परीक्षा का स्टिंग वीडियो। कानपुर देहात में मालगाड़ी में आग, आग की वजह की कर रही है जांच रेल पुलिस। कानपुर के जंगली देवी मंदिर में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए चोर। आगरा में सेक्स ट्रैकर गिरोह का पर छापेमारी, 11 लड़कियों का रेस्क्यू, 5 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के सांता क्रूज में पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी की हत्या, घर से फरार है इंस्पेक्टर का बेटा। शीना बोरा मर्डर की जांच कर रही थी, टीम में शामिल है पुलिस इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर गनोरे, बेटा कॉलेज के फर्स्ट ईयर का है छात्र। घर में पड़ा मिला एक नोट जिसमें बेटे की तरफ से लिखा गया है, मैंने किया है मां का कत्ल और मैं थक गया। ग्वालियर में सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद को लेकर बेटे पर ही हत्या का आरोप। उधम सिंह नगर में स्थानीय लोगों के साथ पुलिस की झड़प, 6 लोगों ने मिलकर एक पुलिस वाले को पीटा। दिल्ली में एक महिला पर तांत्रिक प्रेमी के साथ मिलकर पति का कत्ल करने का लगा आरोप, पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार, प्रेमी फरार। दिल्ली में पुलिस को एक बंद कार में मिली लाश, कार में चलते इसी से दम घुटने का अंदेशा, पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली में लुटेरे ने बंदूक की नोक पर लूटी कार, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। दिल्ली के रणहौला इलाके में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम से 7 लाख के मोबाइल चोरी, स्कूटर सवार चोरों ने 12 मिनट में वारदात को दिया अंजाम। झांसी में पुलिस ने 3 छात्र लुटेरों को पकड़ा, सोने के लूटे आभूषण और हथियार बरामद। यूपी के बांदा में एक मंजिले की छेड़खानी से परेशान छात्रा ने की खुदकुशी, शिकायत पर भी पुलिस नहीं कर रही थी कार्रवाई। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर लूट के दौरान मैनेजर की गोली मारकर की हत्या, 1.5 लाख कैश लेकर हुए फरार। फरीदाबाद में 3 दोस्तों ने मिलकर एक शख्स की हत्या की, घर में छिपाया शव, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के वैशाली में छेड़छाड़ से परेशान एक लड़की ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट लेकिन आरोपियों की नहीं हुई कार्रवाई। यूपी के बरेली में थाने में फटा बम, देसी बम फटने से 2 पुलिस वाले जख्मी, छापे में बरामद 6 देसी बम, थाने में रखे होने से हुआ हादसा। इंदौर में पुलिस ने एक नकली दवा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री का दावा कर अवैध तौर पर बनाई जा रही थी एलोपैथिक दवाएं। नकली दवा फैक्ट्री पर छापेमारी के बाद मैनेजर गिरफ्तार, मालिक हुआ फरार। महाराष्ट्र गढ़चिरौली पुलिस ने तलाशी के दौरान 3 लोग को किया गिरफ्तार, 75 लाख कैश और नक्सली पर्चे बरामद। बुलढाणा में महिला मोर्चा ने देसी शराब की दुकान पर बोला धावा, की तोड़फोड़। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना देश का सबसे लंबा पुल, 26 मई को जनता के लिए खोला जाएगा। यूपी के मऊ में बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी ने मां पर फेंका तेजाब, बुरी तरह घायल महिला अस्पताल में भर्ती। एमपी के रतलाम में शादी का झांसा देकर लड़कियों का सौदा करने वाली महिला गैंग का पर्दाफाश, 6 महिलाएं गिरफ्तार। अमृतसर में 12वीं की छात्रा की खुदकुशी का गरमाया मामला, स्थानीय लोगों ने स्कूल के बाहर जमकर किया हंगामा। बिहार के दरभंगा में यूनिवर्सिटी कैंपस में युवक का शव मिलने से हड़कंप, शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लूट के 21 मोबाइल के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े 3 छात्र, गर्लफ्रेंड के महंगे खर्चे उठाने के लिए बने लुटेरे। उत्तराखंड के गोपेश्वर में हैरतअंगेज हादसा, नशे में एक शख्स ने कार ड्राइव करते हुए पहली खड़ी कार को मारी टक्कर, कई लोगों को किया घायल। बाराबंकी में स्टेशन से अगवा लड़की निर्वस्त्र और बदहवास मिली, शराब पिलाकर गैंग रेप किए जाने की आशंका। यूपी में बहराइच में जिला अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, सीएमएस ने आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई का दिया भरोसा। बहराइच में एक मंदिर में पुजारी की हत्या, तफ्तीश में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के चिंतापल्ली में 2 आदिवासी युवतियों से गैंगरेप, पुलिस केस दर्ज कर तफ्तीश में जुटी। मुंबई के मलाड में खिलौने की फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। गाजियाबाद में चलती कार में लगी आग, NH-58 पर देर तक ट्रैफिक जाम रहा। राजस्थान के धौलपुर में जंगल में आग लगने से करीब 3 किलोमीटर का इलाका जलकर राख, कई जानवरों की हुई मौत। हैदराबाद में गर्मी का सितम जारी, पारा 42 के पार, हैदराबाद पुलिस ने गर्मी से बेहाल लोगों को बांटी ठंडी जैकेट। बिहार के आरा में अचानक आई आंधी बारिश से 4 की मौत, घर की दीवार ढहने से हुआ हादसा। सोने की कीमतों में 235 रुपए प्रति तोले की गिरावट, 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 28,915 रुपए। चांदी की कीमतों में 315 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी, 1 किलो चांदी की कीमत हुई 39,815 रुपए। डॉलर के मुकाबले 9 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 1 डॉलर की कीमत 64 रुपए 80 पैसे। इफ्को और बैंक ऑफ बड़ौदा की अनोखी पहल, किसानों के लिए लाया 2,500 रुपए एडवांस लिमिट वाला ज्वाइंट डेबिट कार्ड। 2,500 रुपए तक की खेती बाड़ी के सामान की खरीद पर किसानों को 1 महीने तक नहीं लगेगा कोई ब्याज, मंगलवार को दिल्ली में हुई योजना की शुरुआत। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए आज लंदन होगी रवाना, 1 जून से शुरू हो रहे चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले 18 जून को होगा फाइनल।
चैंपियंस ट्रॉफी में 4 जून को होगा महामुकाबला। टूर्नामेंट में टीम इंडिया के पहले मुकाबले में पाकिस्तान से होगी टक्कर। विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया का बल्लेबाजी क्रम बेहद मजबूत। शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के कंधे पर होगा बड़े स्कोर का दबाव। टीम इंडिया की ओर से भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, उमेश यादव और जसप्रीत बुमराह संभालेंगे पेस बैटरी की कमान। अश्विन जडेजा खसेंगे फिरकी का फंदा। चैंपियंस ट्रॉफी में रवानगी से पहले पाकिस्तान टीम को लगा झटका। बल्लेबाज उमर अकमल हुए अनफिट, हरीश सोहेल को टीम में मिली जगह। फिल्म अभिनेता संजय दत्त एक बार फिर बनेंगे खलनायक। तिग्मांशु धूलिया की फिल्म साहब बीवी और गैंगस्टर पार्ट 3 में निभाएंगे विलन का रोल। अभी भूमि की शूटिंग में है व्यस्त। कैंसर के इलाज के बाद नेत्री मनीषा कोइराला बॉलीवुड में कर रही कमबैक। फिल्म डियर माया में है मनीषा की दमदार भूमिका। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की लाडली बेटी सुहाना को पापा के प्रशंसकों ने ट्विटर पर दी जमकर बधाई। शाहरुख ने प्रशंसकों से बधाई संदेश सुहाना तक पहुंचाने का किया वादा। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और ऐश्वर्या राय के बाद कान में सोनम कपूर के कॉस्ट्यूम से मचाई धूम। सोनम रेड कार्पेट पर तरह तरह के डिजाइनर कपड़ों में आई नजर। सनी देओल के बेटे करण देओल को बॉलीवुड में डेब्यू से पहले शाहरुख सलमान का मिला आशीर्वाद। कान से ट्वीट कर दी बधाई। फिल्म पल पल दिल के पास से करण की हो रही एंट्री।